हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप लोगों ने बहुत बहुत बढ़िया काम करा दोस्तों, और वीडियो को इतना फैलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दिन हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, एक भी बच्चे तक हमारी अगर वीडियो पहुँच रही है तो उसमें बहुत खुशी की बात है। और अभी ठीक है, पहले दिन के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है प्यारे बच्चों। मुझे आप सबके वर्क से बहुत अप्रिसिएशन है। मेरे पुराने स्टूडेंट भी बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हर एक ज़रूरतमंद तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं, जहां तक भी पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाएं। और बिल्कुल भी हिम्मत ना आ रही, देखो बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है और हमें कंटिन्यूसली एफर्ट डालने हैं, सभी को मिलके सभी को मेहनत करनी है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। कुछ प्यारे बच्चों सजेशन मिले हैं कि आप सर इतनी लंबी वीडियो ना बनाएं, तो मैं अब थोड़ी छोटी वीडियो रखूँगा। कुछ थोड़ी छोटी वीडियो होंगी, इतनी कंपैरेटिवली बड़ी नहीं होंगी, ठीक है। तो आप थोड़ी छोटी छोटी वीडियो देखें और एन्जॉय करें, ठीक है। तो बाकी सबका बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और लोगों ने इतना उसको पसंद करा है, लाइक करा है, तो मुझे बहुत मज़ा आया यार। और आप सभी ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं कि सर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत उससे अप्रिसिएशन, बहुत हिम्मत मिल रही है बच्चों। और अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बड़ी अच्छा सा लग रहा है, अब अकेले पढ़ाने की भी आदत हो रही है धीरे धीरे, और बड़ा मज़ा आने लग गया अकेले पढ़ाने में भी। तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं लेक्चर को, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो कुछ बच्चे जो हैं कमेंट में ये पूछ रहे थे कि सर आप 11th को भी पढ़ाएंगे, तो देखो अभी 11th का मैं ऑनलाइन सेशन शुरू नहीं कर रहा, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। 11th वाले बच्चे अभी सीरियस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो अभी 10th से 11th में आए, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ज़्यादातर बच्चों को। तो अभी हम 11th को शुरू नहीं कर रहे, और देखिए अभी हम बिगनिंग में ही हैं प्यारे बच्चों। तो बिगनिंग में हमारे पास अभी इतनी चीज़ें नहीं हैं कि मैं 11th और 12th को एक साथ कंटिन्यू कर पाऊँ, तो 12th को ही मैं पहले कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और आप बहुत मज़े के साथ पढ़िए, इसको पूरा एंजॉय करिए, और जितने लोग जुड़ते हैं जोड़िए। कोई अगर नहीं भी जुड़ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपनी तरफ से एफर्ट करते रहें बच्चों, बस, ठीक है। हारना नहीं है, आप एक भी बच्चे को जोड़ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई गरीब बच्चा अगर हमसे पढ़ पाता, देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न प्यारे बच्चों यही है कि अब लॉकडाउन है, बहुत लोगों की नौकरी छूट गई है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर मैं कुछ सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ तो मैं वो कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई ना कोई आप बेनिफिट अगर उठा पा सकते हैं मुझसे तो मैं ज़रूर उसको प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। हालांकि हम भी बेरोज़गार हैं हाल फिलहाल तो, लेकिन मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा सकता था प्यारे बच्चों, जिससे आप कोर्स को परचेज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं चुना कि मैं बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ, उनको फ्री पढ़ा दूँ, वो ज़्यादा बेटर मेरे को लगा, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे प्यारे बच्चों वो करें, और कोशिश करें इसको बढ़ा पाएँ जितना बढ़ा पाएँ। और प्यारे बच्चों दोबारा मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ, आपने बहुत बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करा है, और मेरे ख्याल में आप सभी आगे भी करते रहेंगे, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने चार्ज को डिस्कस करा था, मैंने ओवरव्यू आपको 10 यूनिट का दिया था। तो अब मैं चार्ज के बारे में बताऊंगा आपको अच्छे से कि चार्ज क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज। किसी बॉडी पर डेफिशिएंसी हो जाए यार, या एक्सेस हो जाए चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो उसे क्या कह रहे हैं, चार्ज कह रहे हैं, ठीक है। तो डेफिशिएंसी भी हो सकती है और एक्सेस भी हो सकता है, तो दोनों ही सूरतें हैं। अब देखें ध्यान से, तो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों मैं, इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन दिस यूनिवर्स, सबसे छोटा चार्ज जो दुनिया का है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। और जो चार्ज की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। तो ये इसकी एसआईयूनिट है। आप सभी जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज की एसआईयूनिट कूलाम है। तो चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसको सबसे पहले बताया था, इसके बारे में डिस्कवर करा था। तो ये हमारा चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जान रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है। अच्छा, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है, तो
कुछ चीज़ें हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए कुछ टीचर आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, हमें तो उज्ज्वल सर ने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, तो कुछ टीचर बोलेंगे अच्छा तुम्हें गलत पढ़ा दिया यार, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा नहीं है। तो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से या अभी भी हम यूसेज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटा मानते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उससे छोटा क्या होता है, दो चीज़ें और हैं जो उससे भी छोटी होती हैं। एक हमारी क्वार्क कहलाती है और एक ग्लूओन कहलाती है। क्वार्क छह तरीके के होते हैं बच्चों, ठीक है, उनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं बस आपको यही बता रहा हूँ कि छह तरीके के होते हैं, वरना हम डेविएट हो जाएंगे टॉपिक से, ठीक है। तो क्वार्क हमारे छह तरीके के होते हैं, ठीक है, टॉप बॉटम इस तरीके से, चार्म एंटी चार्म इस तरीके से, हमारे छह तरीके के क्वार्क होते हैं। और जब वो क्वार्क इस तरीके से होते हैं बच्चों, जैसे 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 यानी दो तिहाई इलेक्ट्रॉन का, एक तिहाई इलेक्ट्रॉन का, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से क्वार्क होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो ये जब कंबाइन होते हैं दोस्तों, तो ये कंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, प्रोटॉन बनाते हैं और न्यूट्रॉन भी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जुड़ जुड़ कर क्या करते हैं यार, ये प्रोटॉन बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, न्यूट्रॉन बना लेते हैं, कई चीज़ें ये बना लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब इससे ही बनते हैं। और जब ये जुड़ते हैं, तो जुड़ते हैं यार, ये जोड़ दिए हमने, मान लो एक इलेक्ट्रॉन बना, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि यार जब भी कोई दो चीज़ें जुड़ती हैं तो उससे एक्सेस जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। जैसे कि कहाँ होता भाई, एटम न्यूक्लियाई जब आप पढ़ते हैं, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है प्यारे बच्चों, कि दो छोटे छोटे एटम जब आपस में टकराते हैं, फ्यूजन जिस रिएक्शन को बोलते हैं, तो क्या होता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये आप सब जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर ये दो चार्ज आपस में टकराए और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो अब ये क्या करते हैं यार, एनर्जी को रिलीज करते हैं। ग्लूओन्स की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों में, ठीक है, क्वार्क्स की। तो ये जब जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और ग्लूओन्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो क्वार्क्स और दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, ग्लूओन्स है। तो ये हुई हमारी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई, ठीक है, जिसका आपके कोर्स से कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सबकी समझ आया। और क्वार्क जो है, मैंने आपको बताया कि क्वार्क क्या है भाई, छोटे छोटे हमारे पार्ट हैं इलेक्ट्रॉन के, एक तिहाई इलेक्ट्रॉन का, दो तिहाई इलेक्ट्रॉन का, जुड़कर क्या करते हैं भाई, वो एक न्यूट्रॉन बना लेते हैं, प्रोटॉन बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, कोई भी चीज़ वो कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है वो क्या होती है बच्चों, ग्लूओन्स की फॉर्म में होती है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया मेरे ख्याल में, क्वार्क्स भी क्लियर है, ग्लूओन्स भी क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो अब यार ये पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन का, जे थॉमसन ने बताया कि यार तरबूज खाओ और तरबूज में जो बीज हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, या फिर हलवा खाओ, हलवे के अंदर काजू बादाम जो कुछ भी है वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने क्या बताया था, ये आपने पता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, तरबूज खाओ या हलवा खाओ, तो तरबूज के अंदर जो बीज हैं वो क्या था यार, आपको पता है कि ये था हमारा प्लम पडिंग मॉडल जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, कि सीड्स आर लाइक द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पल्प इज लाइक द पॉजिटिव चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, क्योंकि जे थॉमसन को प्रोटॉन का नहीं पता था, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्कवर हुआ। ओके, इलेक्ट्रॉन हो गया यार, क्वार्क हो गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि यार इलेक्ट्रॉन, हम तो अभी भी ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन के बाद किसकी बात आई यार, क्वार्क की बात आई, क्वार्क भी छोटा, उससे छोटा हो गया, ये भी आपको नहीं जानना, ठीक है। और उससे भी छोटा क्या है यार, कि ये जो क्वार्क हैं ये छोटी छोटी स्ट्रिंग्स के बने हुए हैं। स्ट्रिंग समझते हैं आप, स्ट्रिंग रस्सी, तो यार वो रस्सी की तरह बने हुए हैं, और वो रस्सी जो है यार वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। क्वांटम फिजिक्स दोस्तों ये कहती है कि हर एक यूनिवर्स की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट कर रही है
कोरोना नहीं यार, ठीक है, खांसी वैसी आ गई थी, कभी सोचे कोरोना हो गया सर को, ठीक है, तो एडजस्ट करें यार। तो क्या है भाई, ऐसे स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट करती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। तो ये माना जाता है कि यार जितनी तरीके की फ्रीक्वेंसी, जितनी तरीके की वाइब्रेशन होगी, उतने तरीके की यार यूनिवर्स क्रिएट हो सकते हैं। ये बात सामने आती है, ठीक है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी वाइब्रेशन, उतने ज़्यादा हमारे यूनिवर्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें ध्यान से, आप चीज़ों को समझें। आपने सुना होगा कि यार वैदिक एज से भी इंडिया में बड़ा मेडिटेशन का बड़ा कल्चर है। भगवान बुद्ध हों या फिर कोई भी हमारे, आपने देखा होगा कोई भी मिस्टिक हैं, वो मेडिटेशन के बारे में बताते हैं कि यार आपको मेडिटेट करना चाहिए, उससे दिमाग जो है स्थिर होता है, आप स्ट्रेस को रिलीव कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर पाते हैं। तो ये मेडिटेशन कहाँ से आता? तो देखो, कुछ मॉडर्न फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि जब आप मेडिटेशन की कंडीशन में होते हैं तो आप इनहेल करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं। तो सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, एक क्रस्ट और एक ट्रफ डेवलप होता है। मेरे ख्याल में क्रस्ट ट्रफ सभी जानते होंगे, एक वेव पैदा होती है। तो वेव ये माना जाता है कि वो वेव उस फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करती है जो फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से इस यूनिवर्स की है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं कंटिन्यूसली तो आप इटर्निटी को हासिल कर लेते हैं, यानी आप संपूर्ण नॉलेज जिसे कहा जाता है, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, यूनिवर्स की नॉलेज, उसको आप गेन कर लेते हैं, ये माना जाता है, ठीक है, हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से भी और एंशियंट टेक्स्ट आप कोई भी पढ़े, ज़्यादातर में मेडिटेशन का आपको बताया गया है, ठीक है। तो यार आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप जब उस स्टेट में पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी पर आप कंसंट्रेशन करते हैं कंटिन्यूसली, और जब आप उस पर कंटिन्यूसली कंसंट्रेट करते रहते हैं तो आपको नॉलेज जो यूनिवर्स की है वो मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एवरी वन, एवरी बॉडी, लिविंग और नॉन लिविंग, इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक सेंस है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रोटॉन भी है मेरे बच्चों, और न्यूट्रॉन भी है, वो आपको समझाऊंगा। कुछ ये ना सोचें कि इलेक्ट्रॉन है और खाली इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं, सर नेगेटिव होता है वो, तो प्रोटॉन भी हमारे अंदर, तो वो भी बात ठीक है आपकी, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी एक डेवलप होती है, ठीक है, जो इस यूनिवर्स की है, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी के अगर आप ऊपर फोकस करते हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ये माना जाता है, ठीक है। क्योंकि हर एक बॉडी उसी चीज़ से बनी हुई है, मैं भी आप भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एक अरेंजमेंट भरी है, ठीक है, और जो नॉन लिविंग चीज़ें वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एक अरेंजमेंट भरी है। अगर हम मर जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब मर जाते हैं, वो तो जिंदा रहते हैं यार, वो थोड़ी मर जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को महसूस करना शुरू कर देते हैं। देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट जिनका नाम है निकोला टेस्ला, उन्होंने कहा था कि अगर आपको पूरी दुनिया की नॉलेज चाहिए देन यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। आप बेशक से चेक कर सकते हैं इस थॉट को, आपको वाइब्रेशंस की टर्म्स में सोचना पड़ेगा। तो वाइब्रेशंस की टर्म क्या प्यारे बच्चों, सीधी सिंपल सी बात है यार कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर कंसनट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको फिलहाल ये बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, आपको ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल में, एटम के अंदर होता है, ठीक है, थोड़ी दो चार चीज़ें और बताऊंगा मैं भी आपको। और इलेक्ट्रॉन से छोटी क्वांटिटी क्या है, क्वार्क है, उससे छोटी चीज़ अगर हम जाने तो स्ट्रिंग थ्योरी है। स्ट्रिंग थ्योरी पर अभी वर्क चल रहा है पूरी तरह से, वो अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है, हम उस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं, उस पर बहुत सारे अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें आप, तो इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज हो गया यूनिवर्स का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ही हम फोकस मान के करेंगे क्योंकि अभी हम इतने अच्छे से इन चीज़ों को नहीं जानते, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है, ठीक है। अब यार इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसी का ट्रांसमिशन क्यों होता है उस पर अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बताएं आप कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसमिशन क्यों होता है, उस चीज़ पर अब हम फोकस कर रहे हैं। तो देखो,
कल हमने, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ यार दोस्तों, कि हमने कल पढ़ा था यार कि कभी भी दो बॉडी हो एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है बी है, तो दोनों ही न्यूट्रल होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? न्यूट्रल, ठीक है। सब हर कोई न्यूट्रल है, हर कोई न्यूट्रल स्टेट के अंदर पहुंचना चाहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यार, दो बॉडीज को, अब आपको पता है कि यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो पहला है हमारा यार हीट वाला, जिसको कहा जाता है थर्मो आयोनिक एमिशन। आप मेटल को, बॉडी को हीट करें और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से कूद कर जंप में, सॉरी एक बॉडी से जंप कर कर दूसरी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हैं, जब हम छोटे थे यार, पढ़ाई लिखाई तो कोई करता नहीं था, हम क्या करते थे, स्कूल में जाते छोटे छोटे पेपर फाड़ के बेंच के ऊपर सजा लेते, वो स्केल होता था उसको बाड़ों में रगड़ते, बाड़ भी बढ़िया हो जाते एकदम, और उसको चिपकाना शुरू कर देते। तो वहाँ क्या करा हमने यार, आपको पता है, हमने कंघे को या फिर स्केल को बाड़ों में रगड़ा और हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन जो है भाई बाड़ों से कंघे के अंदर पहुँच गए, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कंघा जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो पेपर हैं वो हमारे न्यूट्रल होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नाम का फिनोमेना होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो है क्या यार, पहला मैं अभी आपको मोड बता रहा हूँ, पहला मोड हुआ थर्मो आयोनिक एमिशन, यानी हीट से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कूद जाते हैं, जंप कर जाते हैं। दूसरा मोड होता है प्यारे बच्चों, जिसको कहा जाता है भाई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आप कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कह सकते हैं, या फिर फील्ड एमिशन भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं यार, दुकान से बैटरी खरीद के लाते हैं, दो सेल खरीद के ले आए यार, या फिर हम एक कार की बैटरी खरीद के लाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या है, फील्ड है एक, और जो क्या करती है, आप दो टर्मिनल से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच के निकालती है, बाहर आ जा भाई बाहर आ जा, समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से कि कैसे फील्ड खींचती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको उसको सीखने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा, बाहर आ यार तू बाहर आ, इलेक्ट्रॉन को एक एक करके, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच के बाहर निकालेगा, ठीक है, तो फील्ड एमिशन हो गया। और तीसरा होता है बच्चों हमारा, जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी फोटोन आए और धड़ाम से मेटल की शीट पर गिरे और इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकला, जिसको सबसे पहले बच्चों विलियम हालवेक नाम के फिजिसिस्ट ने डिस्कवर करा था, ठीक है। विलियम हालवेक नाम के फिजिसिस्ट थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोबल प्राइज मिला है, ठीक है, आप सभी जानते हैं इस बारे में, तो ये नहीं जानते होंगे शायद कि विलियम हालवेक इज़ द वन हु फर्स्ट डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और एक और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था फिलिप लियोनार्ड, ठीक है, दो तीनों ही जर्मन फिजिसिस्ट हैं, विलियम हालवेक भी और फिलिप लियोनार्ड भी और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी, तीनों जर्मन फिजिसिस्ट हैं, ओके। तो अब यार यहाँ आते हैं कि ये तीन तरीके से इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में जा सकते हैं, तो कोई भी तरीका अपनाया और इलेक्ट्रॉन कूद के ए से बी में चला गया। तो पहली बात तो यार ये देखें आप कि जितनी ये बॉडी पॉजिटिव बनती है, कल हमने ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, उतनी ही ये बॉडी नेगेटिव बनती है, तो मैंने आपको समझाया था कि ये बॉडी चार्ज हो गई है, ये पॉजिटिव इसको कैंसिल कर देगा, सीधी भाषा में कैंसिल कह रहे हैं हम, लेकिन वैसे न्यूट्रल कर देगा, ये इसको न्यूट्रल कर देगा और ये इसको न्यूट्रल कर देगा, ये इसको न्यूट्रल कर देगा, प्यारे बच्चों इस तरीके से न्यूट्रल हो रहा है सब कुछ, ठीक है, और ये इसको न्यूट्रल कर देगा, ये इसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। हुआ क्या बच्चों, अगर ये बॉडी पॉजिटिव वन बनी तो ये वाली बॉडी कैसी बनी, नेगेटिव वन, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक बॉडी यार ये है ए और एक बॉडी ये है बी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे है यार तो फिगर थोड़ी सी हो सकती है अजीब सी, तो यार देखें पॉजिटिव और यहाँ पर हम मानते हैं कि ये भी न्यूट्रल थी, इसके दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रहते थे यार वो उछलकर इसमें चले गए, ध्यान दें आप सभी, दो इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, तो अब यहाँ से भाग गए यार,
तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल यार, और ये भी न्यूट्रल। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर क्या है, प्लस के दो, पॉजिटिव दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव दो। तो हुआ क्या यार, इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन बोथ बॉडीज। दोनों ही बॉडीज पर इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। तो इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द बोथ बॉडीज, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने अभी तक समझा कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी में जाते हैं। कई चीज़ें आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है और उसका चार्ज क्या है, ठीक है, और कई चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई हमारे इलेक्ट्रॉन का ही क्यों ट्रांसमिशन हुआ, प्रोटॉन के साथ क्या दिक्कत है यार। तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, इसको शेयर करें, ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ और मज़े लें, ठीक है। थैंक यू।